नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, कुछ नया जो दिखता है हमें और जो हमें लगता है कि आपको दिखाना चाहिए, वो हम आपके लिए जरूर लाते हैं। तो हमारे चैनल पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ये जो कैंप फायर है, कैंप फायर आप समझते होंगे, लकड़ियां इकट्ठे करके एक उसमें आग लगा दी जाती है और फिर आग के आसपास बैठ के लोग गपशप करते हैं, इसी को कैंप फायर कहा जाता है। तो ये कैंप फायर है, इसकी आग तो बनाई नहीं, मैंने लाल चौकड़ी रखी है आग बनाने के लिए। तो कैंप फायर की आग या लपटें, खैर लपटें तो कम, आप सुरक्षित दूरी पर बैठे हैं। तो चलिए, फिर एक और चीज़ है, वो है इसका धुआं। तो क्या इसका धुआं आप ही की तरफ आता है, ऐसा होता है क्या? आज इसी विषय पे हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कैंप फायर का धुआं आपकी ओर ही आता है, क्या ऐसा होता है, क्या सच में ऐसा होता है? लगता है ना, कैंप फायर में अगर आप आग लगा रखी, अभी मैं बात करता हूं कि आप अकेले बैठे हैं, आपने आग लगा रखी है, इस परिस्थिति को चलिए दोबारा सृजित करते हैं। यहाँ पे आपने आग लगा रखी है और आप वहां अकेले बैठे हैं, ये छोटी सी आग लगी हुई है, इधर ये आग जली हुई है और आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ है आपकी स्थिति, यहाँ पे पत्थर पे बैठे, पत्थर है ये और पत्थर पे आप बैठे हुए हैं इस आग के पास, इस आग का आनंद ले रहे हैं। पर आपको तभी लगता है कि धुआं तो आप ही की ओर आ रहा है, ऐसा अनुभव होता है। बिल्कुल अकेले बैठे हैं तो और ज्यादा संभावना है कि धुआं आपकी ओर आता है। भाई, आग का वैसे तो धुआं ऊपर ही जाना चाहिए, इसका आपसे कुछ खास मतलब होना चाहिए नहीं। आग लगती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती, तो ऊपर जाना चाहिए, है ना। इस स्थिति को दोस्तों आप फिर से और स्पष्ट तरीके से देखिए कि अगर ये आग लगी हुई है ये, और आप यहां बैठे हैं, मैं इसको ऐसे देता हूं कि आप आग के सामने यहां बैठे हैं, तो ये धुआं गर्म होके ऊपर जाएगा, यहाँ की धुआं जाएगा और यहाँ की हवा भी तो गर्म होगी, इसके आसपास की वो हवा भी गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी। जब ये हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, निर्वात। तो आसपास से ये ठंडी हवा को खींचेगा अपनी तरफ, निर्वात हो जाएगा तो ये खींचेगा। अब यहां तो आप बैठे हुए, यहां पे आप बैठे हुए, यहां से जो हवा खींच के आ रही है उसके बीच में आपने टांग अपनी अड़ा दी, टांग क्या पूरे आप खुद ही अड़ गए, तो आपके पास से हवा जाएगी और ये आपको क्रॉस करके, आपको पार करके यहां पे करीब होते हुए आएगी। बीच में एक ऐसा शंकु सा बना हुआ होगा क्योंकि आप वहां हैं, यहां बीच में आपके बीच में वो ठंडी हवा आपके बीच में नहीं आ पाई और गर्म हवा वहां से ऊपर जा चुकी है, तो आपके बीच में भी एक छोटा सा निर्वात बनता है और ये धुएं को फिर अपनी ओर खींचता है। जरा सी भी गर्मी आसपास भी होती तो इसके खींच के आते, तो अकेले बैठे हैं तो आपकी ओर आएगी और आप जिधर जाके बैठेंगे आपकी ओर धुआं आएगा। और इसमें एक और पक्ष है, आप जितने मोटे होंगे उतना आपकी तरफ आएगा। कहा गया है कि एक पत्थर रख लो अपने साथ में, कोई बड़ा सा, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग भी बैठे होंगे तो ज्यादा निर्वात बनेंगे, ज्यादा है यहाँ पे थोड़े थोड़े, और फिर सबको ये महसूस होगा कि धुआं उन्हीं की तरफ आ रहा है, केवल हमारी तरफ आ रहा है। पर सही मायने में सबसे पतले व्यक्ति की तरफ, मेरी उम्र देखी, मेरी हेल्थ अच्छी खासी, सबसे पतले व्यक्ति की तरफ ये धुआं सबसे कम जाएगा और सबसे मोटे व्यक्ति की तरफ, चूंकि उस अधिक स्थान गिरेगा और अधिक निर्वात को पैदा करेगा तो उसकी तरफ सबसे अधिक जाएगा। वैसे एक वैज्ञानिक हैं, देखिए कौन से हैं, ड्यूक
विश्वविद्यालय के, ड्यूक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, वैज्ञानिक थे, एड्रियन बेजान। इन्होंने भी ये कैंप फायर के बारे में इन्होंने बड़ा अच्छा बोल दिया। अगर आप चाहते हैं कि सबसे कम धुआं आपको लगे, और आप अगर मित्र लोगों के साथ मंडली बना के बैठे और कैंप फायर का पूरा मजा लें आप, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि शंक्वाकार में, कोन के आकार में आप ये लकड़ियां लगाइए। और इसमें भी एक नियम बताया उन्होंने, ये जो ये है ना घेरा, ये घेरा, एक घेरा की जो लंबाई है इस शंकु की ऊंचाई वही होनी चाहिए करीब करीब, बिल्कुल अब तो बिल्कुल बिल्कुल उतना ही हो इतना नहीं, लेकिन करीब करीब ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कैंप फायर बनाए तो इस कैंप फायर का सबसे बड़ा फायदा होगा कि धुएं को सुगमता पूर्वक ऊपर जाने में सबसे अच्छे मदद करता है, सबसे अच्छी तरीके से ये धुआं ऊपर भेज पाता है, और इसके आसपास में एक हवा को जो गर्म हवा ये ऐसे ले लेता है इधर से, तो बहुत ज़्यादा निर्वात जैसा कि उत्पन्न नहीं होने पाता और आप आराम से कैंप फायर का मजा ले सकते हैं। ये भी जानकारी है हमारे चैनल पर, ऐसी जानकारियाँ आपको बहुत अलग अलग तरह के विषयों पर हम आपको बताने वाले हैं। कोशिश सबसे पहले ये होती है हमारे अपने जीवन से जुड़ी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, वही हम बताने का प्रयास भी करते हैं। बाकी जिज्ञासा है मन में किसी विषय पर आ सकती है, जब आती है हमारे मन में आती है तो हम आपको बताते हैं, आपके मन में आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर हम कुछ गलत बता रहे हैं तो आप हमसे कह भी सकते हैं, आपका अधिकार है। और गलत बताना भी तो गलत है, इसलिए आपको लगे हमने कुछ गलत बताया कृपया अवश्य बताएं, आपको लगता है सही बताएं तो, और आपको कुछ और जानना है तो आप पूछिए, हमारा चैनल है जिज्ञासा। फिर मिलेंगे मित्रों।